अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। बताइए, आप हमारी बात मानेंगे या हम ऐसे ही दौड़ते रहें? तुम्हें जो करना है करो, आई डोंट केयर। अगर आपने हमारी बात नहीं मानी ना डॉक्टर शिव, तो हम कॉलेज भर में ऐसे ही दौड़ते रहेंगे। कॉलेज तो क्या, भागते भागते पूरा बनारस नाप लो इस चार्ट पेपर के साथ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पहले भी बहुत तमाशा कर चुकी हूँ और कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर क्यों डॉक्टर शिव, हम आपसे इतना बड़ा फेवर तो ना मांग रहे, हम तो बस इतना कह रहे हैं कि आप अपने बेटे को अपने साथ अपने घर पर रहने दीजिए बस। ये नहीं हो सकता, नेवर एवर, समझ गई तुम? पर क्यों डॉक्टर शिव, उस बच्चे को आपकी जरूरत है। और इतने दिन में ना हम इतना समझ गए हैं कि आप भी कार्तिक से बहुत बहुत प्यार करते हैं। जब आप उसकी तरफ देखते हैं ना, तो आपकी आंखें खुशी से नम हो जाती हैं। और जब वो जा रहा होता है तो भी आपकी आंखें नम हो जाती हैं। साफ पता चलता है कि आप उससे इतना प्यार करते हैं, तो फिर क्यों नहीं रखना चाहते आप उसे अपने साथ? क्योंकि मैं नहीं चाहता, दैट्स इट। पर क्यों डॉक्टर शिव? कब, क्यों, क्या, कैसे, तुम्हें ये सब जानने की जरूरत नहीं है। तुम मेरी कोई टीचर नहीं हो, तो तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा। कार्तिक हॉस्टल जाएगा तो जाएगा, ये मेरा फाइनल डिसीजन है। ये डिसीजन आपका फाइनल डिसीजन क्यों है? डॉक्टर शिव, हर डिसीजन के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। ऐसी हवा में कोई भी डिसीजन ले लेंगे आप? हाँ, और मैं ये भी डिसीजन ले रहा हूँ कि मुझे तुमसे और बहस नहीं करनी है, इसीलिए मैं जा रहा हूँ। ठीक है, जाइए, हम भी ना ऐसे यहाँ पे भागते रहेंगे, बीमार पड़ जाएंगे, शायद बेहोश भी हो जाए, फिर आइएगा हमारा इलाज करने। भागती रहोगी दिन भर तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। घर पर तो तुम्हें तमाशा बना ही दिया, अब यहाँ कॉलेज में सबके सामने और तमाशा बना दो। तुम जितना भी तमाशा बनाओगी ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मेरा डिसीजन फाइनल है कि कार्तिक हॉस्टल जाएगा तो जाएगा। तो दो चैलेंजेस दिए हैं शक्ति ने आपको, एक के साथ एक फ्री फ्री फ्री। बोलिए मंदिरा देवी, क्या आप शक्ति से इस बार जीत पाएंगी? क्या शिव शक्ति की बात मानेगा? क्या वो कार्तिक को इस घर में रहने देगा? बोलिए मंदिरा देवी, बोलिए। मेंढक के टटराने से मौसम नहीं बदलता। चैलेंज कोई भी हो पद्मा दीदी, इस घर में हमेशा से मैं ही जीती थी, जीतूंगी और जीतती रहूंगी। डॉक्टर शिव, हम जानते हैं कि आप अपने आप से डरते हैं, लेकिन कभी ना कभी तो आपको अपने डर का सामना करना होगा ना। कब तक अपनी खुशियों को, अपनी उम्मीदों को अपने डर का गुलाम बना के रखेंगे आप? कभी तो जिंदगी जीनी होगी। और अब आप अकेले नहीं हैं, आपकी पार्टनर आपके साथ है। हम दोनों साथ मिलकर इंश्योर करेंगे कि कार्तिक हमेशा सेफ रहे। और प्यार की टेंशन आप बिल्कुल भी मत लीजिए, वो ना हमारे पास भरपूर है। अगर सारी जिंदगी आपको और कार्तिक को प्यार दिया ना, तो भी खत्म नहीं होगा। शक्ति, कार्तिक को नीचे मत फेंको। यही मैंने भी सोचा था कि हम पति पत्नी बनने से पहले कार्तिक के मां बाप बनेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। यही सोचा था कि उसे एक अच्छी लाइफ देंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। तुमने आते ही जो मुझसे कहा, जो कुछ भी किया, उससे सिर्फ मेरा दिल नहीं टूटा, सारी उम्मीदें टूट गई। नहीं, दूर हटो मेरे बच्चे से। डॉक्टर शिव, आपको कैसे समझाएं, कैसे कहें, कैसे बताएं कि आपने उस दिन जो कुछ भी देखा वो सिर्फ आपकी नजर का धोखा था और कुछ नहीं।
रास्ता टूटेगा ना वास्ता ना रहेगा फासला दरमिया मैनों ने बांधी कैसी डोर रे मैनों ने बांधी कैसी डोर रे कभी ना डॉक्टर शिव दिमाग की बात नहीं सुननी चाहिए सिर्फ दिल की सुननी चाहिए क्योंकि दिमाग सिर्फ लॉजिक में बिलीव करता है लेकिन दिल दिल सिर्फ मैजिक में बिलीव करता है प्यार के मैजिक में अगर आपने हमसे कभी भी प्यार किया ना डॉक्टर शिव तो बस एक बार एक बार हमारी बात मानिए उस दिन आपने जो कुछ भी देखा जो कुछ भी सुना उस बात को अपने दिमाग से निकाल कर अपने दिल में लाइए और पूछिए अपने आप से क्या आपको लगता है कि हम ऐसा कर सकते हैं क्या आपको ऐसा लगता है कि हम किसी भी बच्चे को चोट पहुंचा सकते हैं वो भी हमारे हमारी गौरी दी और आपके बच्चे को अपने दिल से पूछिए डॉक्टर शिव पूछिए कि क्या हम इतने बुरे हो सकते हैं क्या हम एक बच्चे को हर्ट कर सकते हैं क्या हम ऐसे हैं Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री